तो रुपेश की रसोई में है आप सभी का स्वागत। तो आज जो है ना हम ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, वो है पनीर और मशरूम की सब्जी। तो ये सब्जी आपसे शेयर करती हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पनीर और मशरूम की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर जो है ना हमने मशरूम लिए हैं, ये एक पैकेट मशरूम आए थे, लगभग 250 ग्राम के करीब मशरूम थे। और यहाँ पर हमने ये 250 ग्राम ही पनीर लिया है। और यहाँ हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना रखी है, ये हमने 2 प्याज को बारीक चॉप करके काट रखा है। और ये हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 कटोरी दही। सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, मशरूम को मैरिनेट करेंगे। और ये सब्जी मैरिनेट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मशरूम की टेस्टी लगती है, आप इसको रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं डालती हूँ 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद डालेंगे हम इसमें नमक, लाल मिर्ची, धनिया 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर और ये दही जो हमने 1/2 कटोरी ली है। दही हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मशरूम मैरिनेट कर दिया, मैं इसको जो है ना 5 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे हम 5 मिनट के बाद फिर हम मशरूम को। यहाँ पर जो है ना हमने पैन रख दिया था और इसमें 2 चम्मच के करीब हमने इसमें डाल दिया तेल, तो तेल गर्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो है ना इसमें पनीर को फ्राई करेंगे, जो हल्का हल्का उस पर गोल्डन कलर आ जाए। इसमें हम जो है पनीर के पीस डाल देते हैं। पर जो पनीर है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए, इससे पनीर जो है ना अलग सा टेस्ट आता है। अगर आप चाहो तो इसको जो है ना कच्चा ही बना सकते हो मशरूम के साथ, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो है ना पनीर जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना तो टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है उसका फ्राई करने के बाद। पहले हमारी मम्मी वगैरह थी वो फ्राई करके ज़्यादातर बनाती थी, और हम लोग जो है ना ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन जो फ्राई करके बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। इसको हल्का हल्का हम गोल्डन करने के बाद फिर इसकी सब्जी बनाएंगे, और सब्जी में जो है ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्राई करने के बाद, तो जल्दबाजी में अक्सर हम बना नहीं पाते ना। तो इसको जो है ना हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं ना, तो जब भी आप मटर पनीर की सब्जी बनाओ ना तब फ्राई करके बनाना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पनीर जो है ना हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने कुकर रख दिया, उसमें डाल दिया था तेल, थोड़ा सा तेल गरम था तो वो भी डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने और डाल दिया इसमें। अब जो है ना हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे ये जीरा मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और इसमें डालूंगी मैं 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते। अब इसके बाद डालेंगे हम ये प्याज को जब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ब्राउन नहीं हो जाती। देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया और ये अच्छे से भून भी चुकी है। अब जाके पहले से जले इसको हम सबसे पहले टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। अब इसमें हम साथ में डाल देंगे मसाले, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक थोड़ा सा
क्योंकि हमने मशरूम को मैरिनेट करते में भी डाला था, और आधा चम्मच हमने डाली है ये मिर्ची, हल्दी, सभी मसाले को हमने थोड़ा थोड़ा ले रखा है। अब इसको भूनने देते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर हमारे मसाले अच्छे से भुने होंगे ना तो सब्जी में जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मसाला अच्छे से भुना होना चाहिए। तो इसको हम जब तक हमारा मसाले से तेल अलग नहीं हो जाएगा हम इसको जब तक भूनेंगे। मसाला मेरा भून चुका है, अब इसमें हम जो है ना मशरूम डाल देते हैं जो हमने मैरिनेट करके रख सकते थे। तो आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो है इस तरीके का हमारा मसाला भुना होना चाहिए, इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम जो है ना मशरूम डाल देते हैं, और इसको 2 मिनट तक आपने इस तरीके से ही भूनना है, और गैस को आप मीडियम ही रखना। मैंने मीडियम पे इसको छोड़ रखा है। तो मशरूम जो है ना हमारे काफ़ी मसाले के साथ भून चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और मैंने वही बर्तन को जिसमें मैरिनेट कर रखा था उसी को धो के इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। ये मैंने आधा कटोरी करीब पानी डाल दिया इसमें। अभी मैं इसमें पनीर नहीं डालूंगी क्योंकि मैं इसमें जो है ना 2 सीटी लगाऊंगी। इसको जो है ना हम मीडियम पे 2 सीटी लगा लेते हैं। इसको मीडियम पर 2 सीटी लगा लूंगी। सीटी लगाने के बाद मैं जो है इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक हमारे कुकर का जो है ना प्रेशर नहीं निकलेगा। अगर चाहो तो आप इसको जो है ना कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त जाता है, पर मुझे इसमें इजी लगता है तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो आप पे जैसा लगता है आप वैसे बना लीजिएगा। तो 2 सीटी के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो 2 सीटी लग चुकी हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसका प्रेशर भी जो है ना निकल ही चुका है। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए जो मशरूम है हमारे शायद पक चुके हैं, और तेल जो है ना इसका ऊपर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे मशरूम। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे, मीडियम कर देंगे। अब इसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पनीर को फ्राई करके रख रखा था। अब इसको जो है ना हमने 5 मिनट तक पकाना है। अब चाहो तो इसमें जो है ना पानी और डाल सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। तो 5 मिनट इसको और पका लेते हैं। तो मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी और डालूंगी, इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना आधा कटोरी के करीब और पानी डाल दिया है। इसको हम फिर से जो है ना 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद जो है ना फिर आपको दिखाएंगे कि सब्जी हमारी कैसी बन के तैयार हुई है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। तो गैस कर दिया मैंने बंद,
ये देखिए हमारी जो मशरूम की जो सब्जी है ना, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ग्रेवी इतनी शानदार बनी है, ये बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए जो हमारी सब्जी है, आपको डाल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। मशरूम और पनीर की सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई है। आप ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। हाँ थोड़ा सा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं हम इसको साइड कर लेते हैं। और ये देख सब्जी को आप देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी सब्जी की रेसिपी? और बहुत ही ज़्यादा खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी आपको पनीर और मशरूम की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में।